हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, शंकर जी शर्मा बोले। जी हाँ, हमारा ध्यान होता है कि शंकर जी शर्मा ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में क्या बोलते हैं, इस पे सबकी नज़र होती है। और शंकर जी शर्मा ने एक नया स्टेटमेंट दिया है ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए, आइए जानते क्या दिया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूँ कि आई एम सॉरी, मैं दिन भर से बिजी था, वीडियो भी बना नहीं पाया, ट्रैवलिंग भी कर रहा था, कुछ फैमिली कमिटमेंट्स, कुछ बाकी कमिटमेंट्स, तो दिन भर से कोशिश की, बट दिन भर मैं कार में ही था और काफ़ी कॉल्स भी चल रहे थे, काफ़ी कुछ फैमिली के साथ में भी था मेरे जो है, जिसके कारण कहीं पे जाना भी था, दो तीन जगह पे मिलने के लिए, तो पॉसिबल नहीं हो पाया दिन भर वीडियो बनाना। बट शंकर जी शर्मा के बारे में मैंने सोचा चलो ये एक अपडेट वो दे देता हूँ आपको। बाकी और भी अपडेट देने के हैं, वो बाकी कल से दूंगा। कल फुल फ्लेज एक्टिव रहने की कोशिश करूँगा मैं। कल हमारे परिवार में एक फंक्शन भी है, 3 बजे से ही है एक्चुअली, तो मैं कोशिश करूँगा उसके पहले कुछ वीडियो बनाते आए तो बनाने की कोशिश करूँगा मैं, बिकॉज आई हैव टू बी प्रेजेंट देयर। बट एनीवे आई विल ट्राई माय बेस्ट, और जो भी मैसेजेस मुझे आए उनके भी जवाब दूंगा मैं। जिनको भी जैकपॉट शेयर चाहिए या पोर्टफोलियो हैंडल कराना है वो अपना व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। मैं सब सवालों के जवाब जो मुझे मैसेजेस आए हैं मैं मॉर्निंग में 9 बजे के पहले सबके सवालों के जवाब दूंगा, डोंट वरी। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में लगातार अपर सर्किट का सिलसिला जारी है। कल काफ़ी क्रुशियल लेवल पे पहुंचने वाला है ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर बुधवार को, ट्यूसडे को, और हम आशा करते हैं कि जैसे कि करीब करीब 61 लाख शेयर्स की एम ऑर्डर लगी हुई है, ये एम ऑर्डर बरकरार रहे मार्केट खुलने के बाद भी, और शेयर नेक्स्ट लेवल को जाए 21 रुपीज़, फिर 24 रुपीज़, फिर 27 रुपीज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कल का दिन, मेक और ब्रेक है, हो सकता आशा करते हैं कि कल भी ऊपर ही जाएगा और हमें ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर निराश नहीं करेगा। शंकर जी शर्मा जिनका काफ़ी होल्डिंग है, हालांकि थोड़ा उनका होल्डिंग घटा है, बट काफ़ी अभी भी होल्डिंग ब्राइटकॉम ग्रुप में बना हुआ है, और उन्होंने एक ट्विटर को जवाब देते हुए कुछ लिखा है, आइए जानते बताता हूँ क्या उन्होंने कहा है। एक यूज़र ने उनको ट्वीट करके पूछा, कोई ब्राइटकॉम ग्रुप गिरने का क्या आप ब्राइटकॉम ग्रुप गिरने के फिक्र में हैं सर? ऐसा उन्होंने पूछा है कि ब्राइटकॉम ग्रुप का जो गिरने का आपको फिक्र है क्या, कोई टेंशन है क्या? उस पर जवाब दिया है शंकर जी शर्मा ने, बेटे सब होने के बाद भी पैसा बन रहा है BCG में, मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी शेयर ऊपर जा रहा है, मतलब उनका कहने का मतलब था कि फिर भी पैसा बन रहा है और क्या चाहिए, व्हाट एल्स यू वांट, की इज टू बाय चीप। मतलब उन्होंने कहा है कि कभी भी कोई भी शेयर को कम सस्ते में, जब शेयर गिरा हुआ होता है, जब बाय करना होता है, ये उन्होंने कहा है, की इज टू बाय चीप इन 4AM इन्वेस्टिंग। मतलब जो उभरती हुई कंपनी है जिसका वो फॉर्मूला है उनका 4AM, मतलब जो कंपनी नीचे से ऊपर जा रही है या धीरे धीरे बढ़ने वाली है, फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकती है, ऐसे कंपनी में इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि हमें सस्ते लेवल पे एंट्री मारनी होती है तो ही मल्टीबैगर रिटर्न मिलते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। कोई चिंता फिक्र नहीं है, कोई मतलब उनको चिंता या फिक्र नहीं है, ऐसा शंकर जी शर्मा ने ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में कहा है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है हम सब लोगों के लिए कि उन्होंने कोई चिंता फिक्र की बात नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है यूज़र को, जो कि जिसने उनको पूछा था कि आप टेंशन में हो क्या, आप डर के माहौल में हो क्या, आप फिक्र में हो क्या ब्राइटकॉम ग्रुप की गिरावट के कारण, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके ऊपर एक यूज़र ने और उनकी चुटकी ली है शंकर जी शर्मा की, कि मेरी खरीद 37 रुपीज़ की है, पैसा कैसे बनेगा, जब तक कि मेरा पैसा एट पार नहीं आता है मैं क्या करूं, ऐसा उन्होंने पूछा है। उस पर शंकर जी शर्मा ने कहा है कि भाई बोनस के स्पीड के बाद में का ये रेट है, सॉरी बोनस स्पीड के बाद में का कैलकुलेट करो, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, ऐसा पूछा। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि मेरा रेट जो है बोनस स्पीड के बाद में का ही रेट है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये काफ़ी देखिए ट्विटर पर ये जो है चलते रहती है बातें, डिस्कशन चलती रहती है, इस पर शंकर जी शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, बट शंकर जी शर्मा ने इम्पोर्टेंट बात क्या कही है, कोई डर की फिक्र की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है।
ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसके ऊपर और नीचे और एक यूज़र ने लिखा कि सितंबर का SHP आएगा जब पता चलेगा कि कितना कितना मतलब आपका होल्डिंग रहता है। इनडायरेक्टली उन्होंने यही कहने को कहा है, बाकी सितंबर के SHP से में देखेंगे कितने कम हुए शेयर्स। मतलब उन्होंने एक तरह से उनको टॉन्ट मारा है शंकर जी शर्मा को कि सितंबर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में पता चल जाएगा कि ब्रैडको ग्रुप में आपकी होल्डिंग कितनी कम हुई है। मतलब सबको थोड़ा सा ये भी डर है कि शंकर जी शर्मा बेचकर निकलना चाहे, बट आपको मैं याद दिला दूँ उनका जो बाइंग रेट है वो है 22.50 रुपीज़ के आसपास का एवरेज रेट, और अभी उनके एवरेज रेट से काफ़ी नीचे चल रहा है शेयर। तो पर आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में भले ही ये शेयर ये इस रेट को क्रॉस करे तो भी शंकर जी शर्मा अपनी होल्डिंग बनाकर रखेंगे, निकलेंगे नहीं, यही आशा करते हैं, क्योंकि उनसे काफ़ी लोग की उम्मीद बंधी हुई है, वो इस शेयर में है, इसलिए लोग भी बैठे हैं शांति से कि उन्होंने अपना एग्जिट नहीं किया इस शेयर में से, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आशा करते हैं शंकर जी शर्मा ने जो इस ट्वीट में कहा है वो आपको बताता हूँ फिर से। बेटे सब होने के बाद भी पैसा बन रहा है BCG में, और क्या चाहिए, कीज टू बाय चिप इन 4M इन्वेस्टिंग, कोई चिंता फिक्र नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट शंकर जी शर्मा ने दिया है जो कि एक पॉजिटिव साबित हो सकता है ब्रैडको ग्रुप के लिए। इंग्लिश में इसका मीनिंग समझाता हूँ, हिंदी में तो आफ्टर वॉट एवर हैपन स्टिल यू आर गेट मेकिंग मनी इन ब्रैडको ग्रुप, व्हाट एल्स यू वांट, कीज टू बाय चिप इन 4M इन्वेस्टिंग, देर इज नो वरी और टेंशन इन ब्रैडको ग्रुप इन्वेस्टिंग, ऐसा उन्होंने कहा है। दैट इज वॉट मिस्टर शंकर जी शर्मा इज ट्राइंग टू से। तो आशा करते हैं कि सच में कोई डर और चिंता की बात नहीं रहे और शेयर ऊपर ही ऊपर जाए। देखते हैं बुधवार को शेयर में क्या होता है, काफ़ी क्रूशल लेवल पर है, प्रॉफिट बुकिंग आती है हेवी या फिर नॉर्मल ट्रेडिंग, तो या तो नॉर्मल ट्रेडिंग कर सकता है, नीचे जा सकता है, और ऐसा नहीं हुआ तो कल और एक अपर सर्किट मारकर अपने एक लेवल को तोड़कर ऊपर जाने की तैयारी ब्रैडको ग्रुप कर सकता है। आशा करते हैं ऊपर ही ऊपर जाएगा, और शंकर जी शर्मा अभी भी पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट है ब्रैडको ग्रुप के बारे में, उनके ट्वीट से हमें यही पता चल रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, कल बाकी के अपडेट देंगे। थैंक यू।